आम आदमी पार्टी आगरा उत्तर विधानसभा के द्वारा स्पीड कलर लैब संजय प्लेस पर अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां सिलेंडर को माला पहनाकर अपना दुख प्रकट किया गया। वहीं चूल्हे पर रोटी बनाई गई, क्योंकि सिलेंडर अब इतना महंगा हो चुका है कि उसको खरीद पाना आम आदमी की जेब के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। वर्तमान सरकार की गलत आर्थिक नीति के कारण देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है और सरकार उत्सव मनाने में लगी हुई है। स्पीड कलर लैब संजय प्लेस पर अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया गया, जब सिलेंडर को माला पहनाकर अपना दुख प्रकट किया गया। वहीं चूल्हे पर रोटी बनाई गई, क्योंकि सिलेंडर अब इतना महंगा हो चुका है कि उसको खरीद पाना आम आदमी की जेब के लिए भारी पड़ता जा रहा है। वर्तमान सरकार की गलत आर्थिक नीति के कारण देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है और सरकार उत्सव मनाने में लगी है। फिजूल खर्ची जम के हो रही है, सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं और अगर अभी भी सरकार नहीं जाग सकती है तो जनता इस पर खड़ी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में देश की हालत श्रीलंका जैसी होगी, ऐसा कहना है कपिल वाजपेयी का। आज सामूहिक रूप से गैस के दाम बढ़ने पर सभी कार्यकर्ता साथियों ने सांकेतिक चूल्हा जलाकर रोटियां बनाई और वहीं मौके पर खाई और सभी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से यह कहा कि यदि सरकार समय रहते अपनी गलतियों में सुधार नहीं करती है और इसी प्रकार महंगाई बढ़ाती रहेगी तो देश में अराजकता का माहौल हो सकता है। वर्तमान में सरकार ने 1000 से ऊपर का सिलेंडर कर दिया है, पेट्रोल डीजल दुनिया का सबसे महंगा दे रहे हैं, गैस बिजली का बिल पेट्रोल खाद्यान्न चीज़ों में लगी हुई आग, इस सबके कारण से इसके विरोध महंगाई के विरोध के कारण से हम लोग आज यहाँ पर सांकेतिक रूप से चूल्हा जलाकर अपना विरोध दर्शा रहे हैं। सरकार अपात्र दिख रहे हैं, वो सारे लोग जिन्होंने सरकार को वोट डाला, वोट डालते समय वो सब पात्र थे लेकिन वोट डालने के बाद अब राशन नहीं मिलेगा, वो सारे के सारे अपात्र हो गए। लगातार अगर वो अपात्र हैं इस प्रकार की बात करना और इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण से देश का रोजगार खत्म हो गया, देश की महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और देश की जो पूंजी थी, जितनी बड़ी बड़ी एसेट्स देश के थे वो नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्तों को बेचते हुए चले जा रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में देश श्रीलंका से बुरी स्थिति में आने वाला है। ये सरकार इस वक्त जश्न मनाने वाले मूड में अभी भी है, देश लूट रहा है। पहले एक पुरानी कहावत है, जार केक काट वो नीरो डांस कर रहा था, वो वाली स्थिति मोदी की है, मोदी ढोल बजा रहे हैं, सूट में मोदी लिखा हुआ, भाई नक्काशी होनी चाहिए मोदी नाम की, मोदी मोदी सुनाई दे, ऐसी स्थिति इनकी है। लेकिन देश लूट रहा है, लोग परेशान हैं, हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सहप्रभारी आम आदमी पार्टी आगरा, आज हमने महंगाई के विरोध में आज चूल्हे पर रोटी सेक करके खानी पड़ रही है। इस समय गैस का सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है कि लोग सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे, मजबूरन चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ रही है और हर चीज़ महंगी कर दी है, जैसे तेल राशन की जितनी भी चीज़ें नमक हर चीज़ महंगी है, इस समय आदमी खरीद नहीं पा रहा है और ऐसी स्थिति पूरे देश में है। आज हमने सांकेतिक रूप में हमने ये धरना दिया है और महंगाई कंट्रोल हो, मोदी जी ने आज हालत ऐसी कर रखी है। एडवोकेट अश्वनी शर्मा साईं, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी का। सर जो महंगाई बढ़ाई जा रही है, मैं माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी आखिर चाहते क्या हैं, उनकी चाहत समझ में नहीं आ रही है हम लोगों को। जिस तरीके से सिलेंडर पेट्रोल डीजल मसाले तेल चीनी चावल आटा कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है उन लोगों ने महंगाई से, और महंगाई बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, कोई रोकथाम नहीं है, कोई लगाम नहीं है। अभी हाल ही में माननीय योगी जी ने कहा है कि जो अपात्रों के जो राशन कार्ड वापस किए जाएंगे। क्या चाहती है सरकार आखिर? क्या लोग कलर टीवी नहीं देखें? क्या ब्लैक एंड वाइट टीवी देखें? लोग क्या झोंपड़ियों में रहें, सड़क पर रहें? आखिर सरकार की मंशा क्या है, ये समझ में हमको नहीं आ रही है। और जो हालत पड़ोसी देश श्रीलंका की है उससे भी बुरे हाल हो सकते हैं, इसके लिए आम आदमी पार्टी जनता को जागरूक करने के लिए जल्द ही वार्ड वार्ड अपना कैंप लगाना शुरू करें, जिसमें लोगों को सरकार की नीतियों के प्रति जागरूक होने की बात को पहुंचाएगी। गरीब को महंगाई के कारण आटा दाल खाना भी मुश्किल हो रहा है, सरकार ने अपने करे हुए सारे वादे भुला दिए हैं और लूट में लग गई है, केवल पूंजीपतियों के लिए काम किया जा रहा है, गरीब को सताने के सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कपिल वाजपेयी के साथ राम सेवक धाकरे, जे के गुप्ता,
शैंकी शर्मा, विनोद राजौरा, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह अश्वनी, नीरज शर्मा, छोटेलाल शर्मा, हृदय शर्मा, शशांक तिवारी, योगेश कुमार, हिमांशु चौरसिया और बिट्टू पंडित आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।